आज 31वीं बार काशी जाएंगे पीएम मोदी, 1565 करोड़ को देंगे सौगात, पूंचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले मीरवाइज की रिहाई, केंद्र का बड़ा सियासी दावा, एक तीर से कई लक्ष्यों पर निशाना। भारत ने रचा इतिहास, आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बना, वनडे में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे। एक देश एक चुनाव पर समिति की बैठक, आज पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में रोडमैप पर होगी चर्चा। विक्रम प्रज्ञान को नींद से जगाने के लिए इसरो आज फिर करेंगे कोशिश, एक दिन पहले नहीं मिली थी सफलता। पश्चिम बंगाल में डेंगू का प्रकोप, एक दिन में 6 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 30 से अधिक की मौत। कैसीनो कंपनी डेल्टा कॉर्प को झटका, जीएसटी महानिदेशालय ने थमाया 11,139 करोड़ का नोटिस। मंगेतर के साथ घूमने निकली युवती से सामूहिक दुष्कर्म, एक दिन बाद ही पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। पीएम मोदी कल देश को देंगे 9 वंदे भारत का तोहफा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी होंगे शामिल। लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी, परिवार के साथ आरती में हुए शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री कैनेडाई पीएम टुंडो को आरोप से चिंतित, अमेरिका जांच बेहद जरूरी। भारत स्त्रील यूएआई और अमेरिका ने की संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा, वेबसाइट भी लॉन्च। कनाडा का भारत के खिलाफ नया दावा, पीएम टुंडो ने आतंकी निज़र की हत्या को लेकर कही बड़ी बात। कनाडाई संसद को जेलेंस्की ने किया संबोधित, कहा यूक्रेन की जीत के साथ खत्म होगी रूस की आक्रामकता। पाकिस्तानी पत्रकार को अदालत ने भेजा जेल, भड़काऊ वीडियो फोटो साझा कर जनता को डराने का आरोप। कैसीनो कंपनी डेल्टा कॉर्प को झटका, जीएसटी महानिदेशालय ने थमाया 11,139 करोड़ का नोटिस। शेयर बाजार में लगातार 4th दिन गिरावट, सेंसेक्स 221 अंक टूटा, निफ्टी 1,09,700 से फिसला। सुस्त शुरुआत के बाद हरे निशाने पर लौटा बाजार, सेंसेक्स उछला, निफ्टी 1,09,750 के पार।